The students, again, new students, good morning. Teachers, good morning. Let's start with very interesting topic. And the students, they are confused in these topics. So listen first and then write. ठीक है, 8th G में बेटा बैठ जाओ सीट पे, बैठ जाओ बेटा. सो एनीबडी हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी सेक्शन, जल्दी से रेज योर हैंड्स. 8th A B D E F G, बेटा सिर्फ 8th G में से कुछ मुझे, मैं बच्चों को ये होती है. एनी अदर स्टूडेंट, मे आई आस्क समबडी, लेट मी आस्क फ्रॉम 8th A. 8th A बेटा, एक तो अपना माइक ऑन कीजिए. एंड तानिश भाटिया, तानिश भाटिया आ जा बेटा, आ जा, पहले अपना माइक ऑन करो. 8th A, हां जी बेटा बोलो जरा. डू यू नो समथिंग अबाउट ट्विंस? हां जी तनिष बोलिए, एनीथिंग यू नो अबाउट ट्विंस? आपको पता है या नहीं? मैम, ट्विंस आर फॉर्मड व्हेन द एग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइड करता है कि कुछ और? वो तो चलो उस लड़के ने आपको बता दिया. पहले मुझे बताओ आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस है बेटा? डोंट थिंक, देखो बच्चों को एक चीज होती है, स्क्रीन पे देखो जरा. स्टूडेंट्स थिंक दैट टीचर्स डोंट नो, हमने माइक ऑफ कर दिया है हमें पर बेटा पता है क्या बात है, नेचर ने जब टीचर बनाई है ना तो उसकी चार आंखें और दे दी, ठीक है ना? सो पता तो चलता है, हर टीचर को पता चलता है कि क्या बच्चा कह रहा है, चाहे वो अपने मन के अंदर सोचे ना तब भी हमें पता चलता है, ठीक है? दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द टीचर्स. पेरेंट्स को चाहे नहीं पता चलता बट टीचर्स को जरूर पता चलता है. तो डोंट ट्राई टू बी, है ना, जो पता है वो बताओ, जो आपको पता है आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल के बारे में बताइए मुझे. मैम, आइडेंटिकल ट्विंस आर सेम। हाँ वो तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है. चलो तनिष आप बैठो बेटा. द बॉय हु टोल्ड हर, वो आंसर दे जल्दी से जल्दी से. यस वेरी गुड. हाँ पहले अपना नाम बताओ. करुण, तरुण ओके बेटा. हाँ मैम, इन आइडेंटिकल ट्विंस बोथ चिल्ड्रन हैव सेम जेंडर एंड दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन देयर जेंडर एंड पर्सनैलिटी। वेरी गुड. नॉन आइडेंटिकल, ठीक नॉन आइडेंटिकल, द जेंडर ऑफ टू ट्विंस इज नॉट सेम एंड देयर पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट एंड नो वन कैन से दे आर ट्विंस। बिल्कुल ठीक है. एक जी जनरल लैंग्वेज में बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. बट डू यू नो हाउ दे आर फॉर्म्ड आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल? वेरी गुड. Twins are formed when one egg is divided into two parts. Only egg or zygote? Zygote. Zygote. Non identical भी ऐसे ही बनते हैं और identical भी ऐसे बनते हैं. Mom, yes. Okay, चले अब हम थोड़ा सा इसकी corrections करते हैं. So write down, twins are the two offsprings. Offsprings होते हैं बच्चे. Write down twins. Triplets की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम twins की बात कर रहे हैं. Twins means two. The twins are the two offsprings of the same parent born at same time. Born at same time. ठीक है बेटा ये लिखो. आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग.
अच्छा लेट्स सी कि हाँ, एक मिनट जरा, 8th D भी आ रही है। सो व्हाट हैपन्स, सी फीमेल में दिस इज वन एग, दिस इज एग। हम बात कर रहे हैं आइडेंटिकल की, ध्यान से देखना है। मेल का क्या आया, स्पर्म हो गया, दिस इज स्पर्म, एंड इट फॉर्म्स। एट्थ डी बेटा, अपना माइक ऑफ करो बच्चे। सो दिस इज जाइगोट, ध्यान से देखें। बनाया जाइगोट देन फॉर्म्स 8 to 16 सेल। ये सारे सेल्स सिमिलर है, दिस इज मोरूला, एंड ड्यू टू सम रीजन, अननोन रीजन, दिस गेट्स फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मीन्स टूट गया, दिस गेट्स फ्रेगमेंटेड। ध्यान से सुनना है, बाद में बनाना है, नहीं तो फिर ऐसे तो पता नहीं चलेगा, बुक्स में मिलेगा नहीं। तो ये कुछ सेल्स इसमें चले गए, एंड सम सेल्स रिमेन्ड हियर। एंड दे फॉर्म टू बेबीज बिकॉज they are formed, the two babies are formed from the same zygote, same egg है, एक ही egg है, एक ही sperm है, एक zygote बना, उसकी आगे development ऐसे हुई कि दो बच्चे बन गए। but as they develop from the same zygote, therefore they are genetically identical. genetically means उनका सब कुछ सेम होगा, हाइट सेम है, नाक सेम है, आंखें सेम है, बॉडी सेम है, इम्यूनिटी सेम है। उसके बाद जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो डिफर कर जाएंगे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम एज सेपरेट। वो सेम से लगते हैं, दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। एज यहां पे मैं लिख रही हूं, बाद में लिखना लास्ट में, एज टू बेबीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेम जाइगोट, देयरफॉर दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। क्योंकि ये जाइगोट, इट मे बी क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई है स्पर्म में भी, एक्स और वाई जाइगोट, इट इज आइदर
मेल और फीमेल, या तो मेल जाइगोट होगा या फीमेल जाइगोट होगा, ये सारे सेल्स सिमिलर होंगे, सो टू बेबीज सेम जेंडर एंड सेम अपियरेंस. जेंडर मीन्स दैट इज आइदर बोथ आर गर्ल्स और बोथ आर बॉयज. लिखो, पहले हम बात कर रहे हैं आइडेंटिकल ट्विन्स. राइट डाउन, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद वन एग. राइट डाउन क्विकली. चलिए करें आगे. ऑल डन. मे आई रब इट? किसी का रहता है तो वो दे कैन रेज देयर हैंड्स, अदरवाइज आई विल रब इट. चलिए, और मे आई गो टू अनदर, यू नो, अनदर पेज. लेट अस डू. नेक्स्ट इज नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स. जो दो बच्चे, टू ऑफ स्प्रिंग्स, जैसे आप हो, दो भाई बहन हो, या दो भाई हो, या दो बहनें हो, वट एवर इट इज, जो अलग अलग टाइम पे हुए हैं, दे आर लाइक दोस्त विच आर बोर्न एट द सेम टाइम. ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग जेंडर के, सेम जेंडर के हो सकते हैं, अलग के हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, बट बोर्न एट द सेम टाइम. तो कैसे बने ये? समटाइम्स इंस्टेड ऑफ वन कॉमा देयर इज रिलीज ऑफ टू एग्स फ्रॉम ओवरीज एट द सेम टाइम. एक एग की जगह दो एग्स रिलीज होगी किसी कारण से, ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस की वजह से दो एग्स जो है वो रिलीज हो गए. राइट, सो वन एग टू एंड यू नो मेनी स्पर्म्स दे रीच इन द फिलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि भी स्पर्म्स नहीं है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है. सो हियर दिस इज स्पर्म ए, दिस इज स्पर्म बी, एंड दे फॉर्म टू जाइगोट्स, जाइगोट ए जाइगोट बी. अलग अलग जाइगोट है, एक जाइगोट से नहीं है. देयरफोर दे डेवलप
पीटर्स ए, पीटर्स बी. सो व्हाट वी से, नॉन आइडेंटिकल, ध्यान से समझो, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स फॉर्म्ड बाय, बेटा बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, वो लिखते हैं वन एग एंड टू स्पर्म्स, नहीं, एक एग में एक ही स्पर्म जा सकता है, फॉर्म्ड बाय टू एग्स एंड टू स्पर्म्स. सेकेंड पॉइंट, सेम और डिफरेंट जेंडर, दे मे बी टू बॉयज टू गर्ल्स और वन बॉय और वन गर्ल, एंड थर्ड इज जेनेटिकली डिफरेंट. These are genetically different. ये अलग अलग है, ये हम पहचान सकते हैं कि ठीक है एक टाइम पे हो गए हैं, बट दीज आर डिफरेंट. देन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, लिख लो क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स. ठीक है, क्योंकि मैं करा रही हूं, आपकी बुक में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, बट बिकॉज वी हैव डन इन द क्लास सो दिस क्वेश्चन विल कम, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कैन कम, पर हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स ऑप्शन ए है मोनोजाइगोटिक, लिखते चलो, ऑप्शन बी है डायजाइगोटिक, ऑप्शन सी है मल्टीजाइगोटिक, ऑप्शन डी है एनी ऑफ दीस. डायजाइगोटिक ट्विंस आर नॉट, ऑप्शन है सेम जेंडर, डिफरेंट जेंडर, जेनेटिकली सिमिलर, नॉन आइडेंटिकल. सो लेट मी आस्क फ्रॉम एट्थ एफ, हाँ जी कर लो, लिख लो पहले. एट्थ एफ में आ जाइए बेटा, सुखमन प्रीत, सुखमन प्रीत एंड सोनाक्षी दोनों आ जाओ.
अपना बेटा आगे से जो है माइक ऑन करो, जूम से बेटा ऑडियो ऑन करो, 8F। नहीं बच्चे पहले वहां से ऑन करो फिर आएगी आपकी आवाज। हाँ अब ओके मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल ट्वींस आर मोनोजाइगोटिक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम वन जाइगोट। मोनो मीन्स वन, एज दे डेवलप फ्रॉम सिंगल जाइगोट दे आर, यस। नेक्स्ट इज, हाँ, डायजाइगोटिक ट्विंस आर नॉट, सेम जेंडर सेम जेंडर के नहीं हो सकते, दो गर्ल्स नहीं हो सकती, जेनेटिकली सिमिलर दे कैन नॉट, दे कैन बी ऑफ सेम जेंडर, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट जेंडर, दे आर नॉन आइडेंटिकल, दे कैन नॉट बी जेनेटिकली सिमिलर। डायजाइगोटिक मीन्स नॉन आइडेंटिकल, दो जाइगोट से जो बने हैं। इज इट ओके, क्लियर? लिख लिया सबने? इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एमसीक्यू में, राइट? या तो एमसीक्यू में हम ट्विंस पे ज्यादा तो नहीं देख सकते, या तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, या 2 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आ जाएगा, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लोनिंग पे। सो क्लोन्स क्या है? क्लोन्स जैसे दो बच्चे बने एक जाइगोट से, सो दे आर क्लोन ऑफ ईच अदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, सो दे आर क्लोन। सो क्लोन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। जेनेटिकली मतलब अंदर से भी उनके क्रोमोसोम्स जीन्स सब सेम है। दो ऑर्गेनिजम्स है, अगर उनकी आंखें देखें तो दोनों की ब्राउन है, बाल देखें दोनों के ब्लैक है, हाइट सेम है, स्किन कलर सेम है, राइट? और कई बार इंटेलिजेंस भी सेम होती है जनरली, बट थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ जाता है एनवायरनमेंट से, कोई कितना पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा। इम्यूनिटी सेम है, राइट? सो राइट डाउन, क्लोन्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट डाउन, क्लोन्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिकल टू ईच अदर, और यहां पे लिखो एज वेल एज, पेरेंट्स आपस में भी सेम है और पेरेंट के साथ भी सेम है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? अमीबा। ध्यान से इधर देखो, दिस इज अमीबा। अब नाउ यू नो दिस इज न्यूक्लियस, व्हाट हैपन्स हियर? दिस इज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और यहां पे फ्लूइड होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। हियर व्हाट हैपन्स? दैट न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड, दिस फॉर्म्स टू अमीबा। अब यहां पे देखो, लिसन हियर एवरीबडी, हियर छोड़ दो इसको, बुक्स को कॉपीज छोड़ दो, सीधा मेरी तरफ देखो। यहां पे अगर हम रेड कलर ले, ठीक है, लेट्स सी कि हमने यहां पे येलो कलर ले लिया, आपने जो है ना येलो कलर लिया, उसके बाद उसको दो प्लेट्स में शिफ्ट कर दिया, एक में ये ले लिया एक में ये ले लिया, कोई फ्यूजन नहीं है, ठीक है? बट अब हमने क्या देखा? अब क्या लिया आपने? एक जगह क्या लिया? ध्यान से इधर देखो, एक ले लिया आपने ग्रीन, और फिर ले लिया येलो, ठीक है, ग्रीन और येलो लिया, और जब ये दोनों मिक्स हुए और दो बन गए, बट क्या हुए? मिक्स हो गए,
तो ये कलर कुछ और बन गया है ना, यहाँ पे दिखता तो नहीं है, बट अगर आप येलो एंड ग्रीन मिक्स करेंगे तो कोई और डिफरेंट कलर बनेगा, येस और नो? जोर से बोलो, येस और नो? यस है ना डिफरेंट कलर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट अलग है, फीमेल गैमीट अलग है, दोनों जब फ्यूज करके उन्होंने एक न्यू बेबी बनाया, तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फादर एज वेल एज फ्रॉम मदर। बट यहाँ देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, कोई दो चीजें मिक्स नहीं हो रही है, एक ही चीज डिवाइड कर रही है। दैट इज व्हाई द टू बेबीज फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द पेरेंट एज वेल एज अमंग देमसेल्व्स। इसमें कुछ बाहर से नहीं आया, वन पेरेंट है। सो दीज टू, ये जो दो बेबीज बने हैं, टू ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म क्लोन एज दे आर सिमिलर टू देमसेल्व्स एज वेल एज विद द पेरेंट। ठीक है, तो ये आपको, ये तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए बताया था। एग्जाम्पल लिख लीजिए, बाइनरी फिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या है? बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवाइड, वन अमीबा डिवाइड्स इनटू टू, सो दे फॉर्म क्लोन्स। इज इट ओके? फटाफट इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस है, ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देन टू, ये वैसे भी आपकी बुक में दिया हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा का। तो ये स्टेजेस पता होनी चाहिए, फर्स्ट है इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, सेकेंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर थर्ड आ जाएगी टू बेबी अमीबा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनदर एग्जाम्पल, क्लोनिंग की ही दूसरी एग्जाम्पल है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बट यू हैव सीन, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन रोज प्लांट है ना, देन वी टेक इट स्मॉल स्टेम, उसकी कोई ब्रांच ले लेते हैं, एंड वी कट इट इंटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दीज फ्रेगमेंट्स आर ग्रोन इन द सॉइल, दे फॉर्म मेनी रोज प्लांट्स, बट ऑल रोज प्लांट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज विद द पेरेंट, सो ऑल दोज आर, वो सभी के सभी, अगर वो मरून रोजेस बना रहे हैं, पेरेंट प्लांट मरून रोज बना रहा है, तो सभी के सभी प्लांट जो है मरून रोजेस ही बनाएंगे, राइट? सो दिस इज क्लोन्स, प्लांट प्लांट एक्स, स्टेम कटिंग्स ऑफ प्लांट एक्स, ईच कटिंग फॉर्म न्यू प्लांट, ऑल प्लांट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, दस फॉर्म क्लोन। एट्थ जी बॉयज, बेटा बना लो, छोड़ो अपना पटका, छोड़ो बाल, छोड़ो सब कुछ, छोड़ दो, बना लो डायग्राम्स। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी।
मोर द डायग्राम्स यू विल ड्रॉ, मोर द नॉलेज यू विल गेन। चलिए नेक्स्ट इज, सो इन योर बुक अ स्मॉल बॉक्स इज गिवन अबाउट शीप डॉली, इट इज कॉल्ड एज क्लोन। तो अब हम देखते हैं किसका क्लोन है, कैसे बनी, क्योंकि एनिमल्स में, लार्ज एनिमल्स में क्लोनिंग करना मुश्किल है। क्लोन कैसे बन सकता है कि हमारे स्किन के सेल्स लिए उसके डिफरेंट डिफरेंट बना दिए, है ना? तो जैसे हम, ठीक है, सो दैट ईच स्किन सेल फॉर्म न्यू ह्यूमंस, मेरे स्किन सेल्स लिए तो सभी के सभी जो आगे बच्चे बनेंगे वो सब मेरी तरह एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, ठीक है? बट दैट इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ। तो डॉली का क्लोन बनाया, कैसे बनाया, लेट्स सी दैट। सबसे पहले इधर ध्यान से सुनना है, अडर सेल। अडर क्या होता है बेटा? अडर होता है मिल्क ग्लैंड्स, जहां से दूध आता है ना शीप का, वहां से हमने एक सेल लिया, साइंटिस्ट ने लिया, रोजलिन फ्रैंक इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है, यूरोप में स्कॉटलैंड में है, ठीक है? तो उसका अडर, एक शीप थी, शीप वन, उसका अडर सेल मिल्क ग्लैंड्स में से एक सेल ले लिया, ठीक है? और उसमें कितने क्रोमोसोम से, उसके न्यूक्लियस में, दिस इज न्यूक्लियस, और उसके क्रोमोसोम्स कितने थे, ए, लेट अस से ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद सेम टाइप की शीप, कोई दूसरी शीप ली, उसका एग ले लिया, दिस इज एग। आपको पता है एग और स्पर्म्स में क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, ये है इसका न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम्स कितने थे, ए बाई टू। अब क्या किया, अब एग ले लिया, इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया और ये वाला न्यूक्लियस इसमें डाल। न्यूक्लियस ऑफ एग इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ अदर सेल्स। ए क्रोमोसोम्स जिसमें है, सेल ले लिया एग वाला और न्यूक्लियस ले लिया इसका। सो दिस इज अदर न्यूक्लियस, अदर सेल न्यूक्लियस, एंड दिस इज एग। सेल जो है वो एग का है, राइट? ये ले लिया एंड देन इट इज इम्प्लांटेड। ये वाला एग जिसमें अदर सेल का न्यूक्लियस है, ये इम्प्लांट कर दिया किसी तीसरी शीप, थर्ड शीप की यूट्रस में डाल दिया, एंड शी गेव बर्थ टू द शीप हुज नेम इज डॉली, एंड डॉली लिव्ड फॉर 6.5 ईयर्स आफ्टर विच इट डाइड। एंड रिमेम्बर दैट, मैं यहां पर लिख रही हूं कि डॉली किसकी तरह थी, किसका क्लोन थी, आपको पता ही नहीं चला अभी इधर से। तो डॉली डॉली वॉज सिमिलर टू शीप वन whose न्यूक्लियस वॉज टेकन, क्योंकि न्यूक्लियस में ही जीन्स है, न्यूक्लियस ही हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है। सो डॉली वॉज क्लोन ऑफ शीप वन। कोई मिक्सिंग नहीं हुई, कोई मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं किए हमने। आप कह सकते हो कि अदर सेल से ही क्यों नहीं नया ऑर्गेनिज्म डॉली बन गई, हमें क्या जरूरत पड़ी उसका न्यूक्लियस इसमें डालने की, क्योंकि अदर सेल बहुत मेच्योर सेल होता है, वो नहीं आगे डिवाइड कर सकता, एग सेल आगे डिवाइड कर सकता है, यंग है, इसलिए हमने क्या कहा इसका न्यूक्लियस इसमें डाल दी। अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यों न्यूक्लियस एक्सचेंज किया, एग सेल से ही डॉली बना लेते, बट नहीं, एग सेल से क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तो क्रोमोसोम नंबर आते, ठीक है? तो ये एग सेल लिया, यंग सेल, इसका न्यूक्लियस लिया जिसमें पूरे क्रोमोसोम्स है, उसको तीसरी शीट में डाला और उससे डॉली बनी, बट डॉली वॉज क्लोन ऑफ शीप वन।
इज इट ओके? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. लिख लो ये, और अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी. आज एक बार दोबारा जाके घर में पढ़ना, और फिर देन यू कैन आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. लिख लो एवरीबडी, हाउ डॉली शीप वॉज फॉर्म, जल्दी से, एट्थ जी में बॉयज, जल्दी से. मुझे दिख नहीं रहा लिखते हुए. हाँ हाँ देन बेटा लिख लिया सबने? ठीक है बेटा, अब लेट्स डू फर्दर. एक टॉपिक हमारा और रह गया है, वो हम वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट ट्यूब बेबीज, वो भी आपकी बुक में. कैन एनीबडी टेल मी टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है? कोई मुझे बताएगा? टेस्ट ट्यूब में बेबीज बन जाते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी. ठीक है, फर्टिलिटी मीन्स एबिलिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट इज फर्टिलिटी. बट ड्यू टू सम रीजंस सम फीमेल्स कैन नॉट बियर चाइल्ड. जरूरी नहीं है कि उस फीमेल में प्रॉब्लम है, मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है. मेल में सफिशियंट स्पर्म्स नहीं है, सफिशियंट एक्टिव स्पर्म्स नहीं है. ठीक है, सो द प्रॉब्लम कैन बी ऑफ एनीवन, आइदर इन फीमेल और इन मेल. सो वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स जिससे ये प्रॉब्लम हम ओवरकम कर सकते हैं. सो लेट्स डू दैट. सो फर्टिलिटी टेक्निक्स यू कैन सी. पहले समझना है, बिकॉज ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है. ध्यान से भी देखो, एंड स्टूडेंट्स किड्स आर इंटरेस्टेड इन दिस, कि भी हमें पता चले ये क्या चीज है. फिर आप क्या करते हो, है ना, गूगल करते हो, चीजें नेट पे देखते हो, जहां पे आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है. इनकम्प्लीट या कंप्लीट भी होती है, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक, सो दैट ऑल योर क्वेरीज शुड बी सेटिस्फाइड, राइट? सो फर्स्ट केसेस, इफ मेल हैज लेस नंबर ऑफ हेल्दी स्पर्म, अगर मेल के सीमन में 300 मिलियन स्पर्म्स तो है, बट मैक्सिमम डेड स्पर्म्स है, बहुत कम हेल्दी स्पर्म्स है. इन दिस केस, इफ नेचुरल इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन मैंने आपको बताया था, दैट इज रिलीज ऑफ स्पर्म्स इन विजाइना ऑफ द फीमेल, इन नेचुरल इनसेमिनेशन सफिशियंट स्पर्म्स डू नॉट रीच
इन फेलोपियन ट्यूब्स? So therefore, no fertilization. कोई नहीं सकती, नया बेबी बनेगा ही नहीं। तो क्योर क्या है इसका? कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं? क्योर क्या है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट टू डू देन? सो सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल्स, सीमन हम मेल्स में से कलेक्ट कर देते हैं, वो वजाइना में ना डाल के बाहर कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्दी स्पर्म्स आर सेलेक्टेड इन सफिशियंट नंबर। हेल्दी स्पर्म्स जितने हमें चाहिए हमने इकट्ठे कर लिए, एक बार का सीमन, दो बार का, तीन बार का, वो हम सीमन इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें से हेल्दी स्पॉन्स हम इकट्ठे कर लेते हैं। एंड देन इट इज इंजेक्टेड हेल्दी स्पॉन्स इन सफिशियंट नंबर आर आर्टिफिशियली इंजेक्टेड थ्रू विजाइना ऑफ फीमेल, थ्रू विजाइना इन फीमेल। नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल हो रही है। एंड दिस इज कॉल्ड एज IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जाएगा तो विजाइना के थ्रू ही, बट नाम इसका क्या है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बट ये है आर्टिफिशियल, निडल से किया जाता है आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ ए सरिंज, विद द हेल्प ऑफ ए निडल इट इज इंजेक्टेड इन द फीमेल। Is it done? This is IUI. This is not test tube baby. यहां पे क्या है? ध्यान से ये बॉक्स में लिखना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इंटरनल। लिखना है आपने, नीचे नीचे लिखना है, मेरी तरह नहीं ऐसे लिख देना। फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रही है और डेवलपमेंट भी यूट्रस में हो रही है। एंड देन आई होप यू आर डन। एंड देन लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज IVF या ठीक है।
टेस्ट ट्यूब बेबीज। इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और यू कैन से फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब्स। फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब्स दैट इज एक्सटर्नल। आईवीएफ में क्या है? एक्सटर्नल, नॉर्मल नहीं है ये। अगेन ये आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है? इसे नॉर्मल तो ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है, ये तो आर्टिफिशियल मेथड है। कब है? आईवीएफ इज डन इफ फर्स्ट है फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल आर ब्लॉक्ड, किसी कारण से भी ब्लॉक हो गई है। सेकेंड है यूट्रस इज नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस इतनी हेल्दी नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। तो इस केस में मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर प्रोसीजर है, फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ एग्स ऑफ फीमेल ए, जिसको बच्चा नहीं हो रहा उसके एग्स कलेक्ट करती है, उसको हम हार्मोन्स देके ज्यादा एग्स एक टाइम में बन जाए तो वो हम निडल से सक्शन से निकाल लेते हैं, ठीक है? वो हमने एग्स बाहर निकाल लिए, फिर हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ सीमन फ्रॉम मेल ए, कलेक्शन ऑफ सीमन फ्रॉम मेल ए, ठीक है? कोई मेल है उसके भी सीमन हमने एक कर लिया, मिक्सिंग ऑफ एग एग्स एंड सीमन इन टेस्ट ट्यूब। बहुत सारे स्पॉन्स ले लिए, जो एग्स थे 5 7 10 जो एग्स थे वो भी हमने ले लिए, उन सबको मिक्स कर दिए। फर्टिलाइजेशन आपने पूरा लिखना है, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। जाइगोट्स, बस लास्ट है बेटा, जाइगोट्स फॉर्म 8 to 16 सेल्ड एम्ब्रियो एम्ब्रियोज इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी, छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा और फिर एम्ब्रियोज आर इम्प्लांटेड
इन आइदर फीमेल ए और सम अदर सरोगेट मदर। सम अदर सरोगेट मदर। जैसे शाहरुख खान का एक बच्चा हुआ है लास्ट वाला जो है, ऐसे ही आमिर खान का जो चाय बच्चा हुआ है विद किरण राव, ठीक है, वो कैसे है विद अनदर फीमेल, उन्होंने एग और स्पर्म्स लिए, ठीक है, और जो जाइगोट बना इट इज ट्रांसप्लांटेड इन सम थर्ड मदर, कोई और मदर थी या कोई और फीमेल थी उसके यूट्रस में डाल। स्पर्म्स किसका था? शाहरुख खान का था। एग्स किसके थे? उसकी वाइफ के थे। बट यूट्रस किसकी थी? सम अदर फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज सरोगेट मदर। सो बेबीज आर नॉट डेवलप्ड इन द टेस्ट ट्यूब्स, बेबीज आर डेवलप्ड इन द यूट्रस, बट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आईवीएफ में क्या है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इंटर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इंटर। बातें हो रही है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ए सेक्शुअल आपको अनुपमा मैम ने करवा दिया था, सेक्शुअल मैंने करवा दिया, फर्टिलिटी टेक्निक्स आपको बता दी। आई होप इट इज क्लियर। यस, जिसको समझ में आया जल्दी से अपने हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड एनीथिंग, कल हम जो है, रिमेंबर दैट, ब्रिंग योर असाइनमेंट्स टुमोरो, बड़ी असाइनमेंट है इसलिए करके आओगे ना तो जल्दी से हो जाएगी। एंड डे आफ्टर टुमोरो, कल अनुपमा मैम आपको असाइनमेंट कराएंगी, डे आफ्टर टुमोरो, बिकॉज दिस इज अ चैप्टर विच स्टूडेंट्स हैव मेनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन सैटरडे, ठीक है, उसमें मैं ही होंगी। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल स्टार्ट विद एडोलेसेंस, ठीक है, वहां पे हम आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे एंड ऑल, ठीक है। तो पढ़ के आओ अच्छी तरह से, क्वेश्चंस भी आने हैं, जनरल अवेयरनेस भी, राइट? चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स। ओके।